Yeah, good morning, student. I am Rajiv Kumar, your English teacher. Today I am going to start chapter 1 for class 9th. Chapter 1 poem for class 9th. Beehive. Literature. First of all, we see the word meaning of chapter 1. Chapter name is The Road Not Taken. Chapter naam kya hai? The Road Not Taken. सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. डाइवर्ज, डाइवर्ज मीन सेपरेटेड. डाइवर्ज मतलब जो सेपरेट हुआ, अलग अलग हुआ, वो ऐसा पॉइंट जहां पर से दो भाग में लोग दो भाग में रास्ता बट जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं. येल्लो बोर्ड, येल्लो बोर्ड कहा जाता है फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिशन लीव्स, वैसा जंगल जहाँ पे पत्ती वगैरह जो होता है, लीव्स वगैरह वो गिर जाती है, जिसकी वजह से पीला देखने में लगता है, येलो फूड. अंडर ग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, काफ़ी घनी घना बुश वगैरह जो होता है, झाड़ी वगैरह, उसे हम अंडर ग्रोथ कहते हैं. साई, डीप ब्रेथ, गहरी सांस. साई. हेंस, हेयर इन द फ्यूचर. हेंस मीन्स हेयर. फेयर, एज गुड एज द अदर वन. फेयर मीन्स जैसा कि दूसरा अच्छा था वैसा पता अच्छा है. क्लेम, बेटर ऑप्शन. क्लेम्स बेटर ऑप्शन. ग्रासी, अनयूज्ड. ग्रासी मीन्स इस पोएम के अनुसार ग्रासी मीन्स अनयूज्ड, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. वांटेड बियर, हैड नॉट बीन यूज्ड. वांटेड बियर जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ है. ट्रॉडन मीन्स वॉक ओवर. ट्रॉडन मीन्स जो कि जिस पर हम चल सकते हैं, जिस पर चला जाता है. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन हेयर, जैसा कि हम लोग जान रहे, द रोड नॉट टेकन यानी जो रोड नहीं लिया गया है. द रोड सिम्बोलाइजेस फॉर आवर लाइफ, यहाँ पे रोड क्या सिंबल कर रहा है आप हमारे लाइफ के बारे में. द पोएट सेड दैट, पोएट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड टेकन. जो रोड जो पाथ हम लोग चूज नहीं करते हैं इन आवर लाइफ, हमारे अपनी लाइफ में, वो क्या है, द रोड नॉट टेकन, जो रोड नहीं लिया गया है, मतलब द रोड नॉट टेकन यानी जो पाथ हम लोग चूज नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में. हम लोग का पाथ क्या हो गया, कैरियर, जो कैरियर हम लोग चूज नहीं करते हैं. ही डिस्क्राइब हिज फीलिंग अबाउट दैट ट्वाइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट. वो वर्णन करे अपने फीलिंग्स को जो कि पास्ट में वो छोड़ दिए, क्योंकि उनके पास भी दो ऑप्शन होगा तो कोई एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं. जिस ऑप्शन वो चूज नहीं किए हैं उस ऑप्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन वर्णन करना चाहते हैं. द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड आवर फ्यूचर. जो पाथ हम लोग चूज करते हैं वो हमारा क्या फ्यूचर बतलाता है, वो हमारा फ्यूचर क्रिएट करेगा. आवर डिस्टिनेशन, और हमारा वो क्या होगा, लक्ष्य होगा, गंतव्य होगा. द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी द पोएट वॉन्ट टू गिव इज दैट चॉइस दैट वी मेक हैज एन इम्पैक्ट ऑफ आवर फ्यूचर. And if we make wrong choice, we regret it, but cannot go back. सबसे महत्वपूर्ण मैसेज वेट क्या बताना चाहते हैं कि जो हम लोग का चॉइस है, हम लोग का जो ऑप्शन है, अगर वो हम चूज करते हैं तो हमारा फ्यूचर यानी भविष्य का निर्माण करेगा. अगर बाय द वे हम रॉन्ग चॉइस चूज करते हैं, गलत चॉइस चूज करते हैं, तो हमें फिर पछतावा होगा और हम लोग फिर बैक नहीं जा सकते, हम लोग पीछे ही नहीं जा सकते हैं. लाइफ जो है, लाइफ में बैक बटन नहीं होता है. सो वी मस्ट बी वाइज व्हाइल मेकिंग चॉइस, इसलिए हम लोग को काफ़ी सतर्क रहना होगा जब हम लोग अपना चॉइस चूज करते हैं, मतलब कैरियर को लेकर. नाउ पोएम, हियर इज पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये जो पोएम है किनके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा. फर्स्ट स्टेंजा, टू रोड्स डाइवर्ज इन एलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बॉल. फर्स्ट लाइन ये कह रहे हैं कि जो दो रोड है वो डाइवर्ज है एलो वुड में. ये रियल अपने लाइफ का जो लाइफ के बारे में जो बताना चाहते हैं वो एक एग्जाम्पल के द्वारा दिए. एग्जाम्पल क्या दिए, एक जंगल का एग्जाम्पल लिए. वहाँ पे दो रोड है, दो रोड क्या डाइवर्ट है, डाइवर्ट मीन्स दो भाग में बट जाना जो कभी फिर मिल ना सके.
दो रोड है डाइवर्ट इन येलो वुड मीन्स जंगल, कैसा जंगल, पीला जंगल। पीला जंगल क्यों हो गया, क्योंकि बसंत का समय है, ऑटम सीजन है, और जो पत्ती है पेड़ का जो लिप्स गिरेगा तो पीला पीला, जिससे कि क्या जंगल भी पीला पीला दिखेगा। तो सो करें कि जो जंगल है उसमें दो रोड डाइवर्ट है, पर एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बॉल, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों पाथ पे नहीं चल सकता हूँ, कोई एक ही रास्ता पे चल सकता हूँ, एट ए सेम टाइम कोई एक ही रास्ता वो चूज कर सकते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक्चुअली मुझे एक ही पाथ चूज करना था, वन ट्रैवलर, मुझे एक ही यात्री, मैं यात्री एक ही था, और एक ही यात्री क्या दोनों रोड पे नहीं चल सकता है, एक बार कोई एक ही पाथ चूज कर सकते हैं। तो वन ट्रैवलर आई लॉन्ग आई स्टूड, तो वो काफ़ी देर तक खड़े रहे। एंड आई लुक डाउन वन इंच एज फार एज आई कुड टू वेयर इट इज बेड इन द अंडरग्राउंड, और वो काफ़ी देर तक खड़े रहे और देखते रहे कि जो रास्ता है वो कहाँ तक जाता है, एज फार एज जहाँ तक देख सकते थे वहाँ तक वो देखते हैं। टू वेयर इट बेड अंडर ग्राउंड, जो कि कहाँ पे मुड़ती है वो रास्ता जो था कहाँ पे मुड़ गया, अंडर ग्राउंड फिर झाड़ी के पास, तो वहाँ जो रास्ता था वहाँ पे जब मुड़ा तो क्या वहाँ से आगे दिखेगा, है नहीं। इफ फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या कर सकते हैं, जो पोएट है वो एक तरह से उनके पास दो ऑप्शन आया, दो चॉइस है, तो दोनों चॉइस में किस चॉइस को चूज करें उनके बारे में क्या करें वो सोच रहे हैं, उनके बारे में डिसीजन ले रहे हैं अपने। इसी तरह से हमारे लाइफ में अगर दो चॉइस है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे कि दोनों में कौन चॉइस सही है। देन टूक द अदर आई जस्ट एज आई फियर, फिर दूसरा देखते हैं, सेकेंड जो सेकेंड रास्ता उसे देखते हैं, आई जस्ट एज आई फियर, जो दूसरा रास्ता था वो भी क्या था, फेयर था। जो फर्स्ट रास्ता था क्या क्या था, वो दूर तक गया और बंद हो जाता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, सेकेंड रास्ता भी क्या फेयर है और उससे हम क्या कह सकते हैं उतना गलत भी नहीं बल्कि सही है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, तो जो सेकेंड रास्ता था क्या था, ग्रासी था, ग्रासी मीन्स घास वगैरह था, डैट मीन्स उस पाथ पे लोग ज्यादा चले नहीं, उस पाथ पे लोग ज्यादा चूज नहीं किए। एंड वॉन्टेड बियर, और उस पर अभी जरूरत है चलने की, वॉन्टेड बियर उस पर अभी चलने की जरूरत है। Thou, as for as that is passing there, had borne them easily about the same. और लेखक को ऐसा लग रहा है अगर इस पाथ पे अगर चलेंगे तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, जो पहला रास्ता है उसके जैसा हो जाएगा। तो फर्स्ट में लेखक क्या है वो दोनों पाथ के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, और सेकेंड में जो दोनों पाथ है उसमें बेहतर कौन होगा इस पर वो सोच रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड इवन कम बैक, और अगले मॉर्निंग जो है वो देखा क्या करें, अगले मॉर्निंग कभी जो है वो देखते हैं कि जो दोनों दोनों जो पाथ है बोथ पाथ है दोनों इक्वल की तरह दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग में दोनों पे लिप्स गिरा, दोनों पे पत्ती गिरी और दोनों वैसा ही लग रहा है, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो अभी तक उस पर कोई इस पर सुबह सुबह चले नहीं, दोनों सेम ही लग रहा है पत्ती गिरी वैसे, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो क्या डिसीजन लिए कि जो फर्स्ट जो रास्ता है उसे हम अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, जो फर्स्ट रास्ता उसे हम अगले दिन के लिए रखने देते हैं। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, जबकि उन्हें पता था, लेखक को मालूम है कि अगर हम एक रास्ता चूज करते हैं तो दूसरे रास्ता पे हम नहीं आ सकते, इफ आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, उन्हें पता था कि हम बैक वापस नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि जब एक रास्ता पे हम चूज किए हैं तो उसी पाथ पे जाएंगे तो बैक नहीं हो सकते। ठीक इसी तरह से जैसे मेरे पास कैरियर का दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन जब एक ऑप्शन चूज कर लिए तो दूसरा ऑप्शन फिर मेरे पास ऑप्शन चूज करने का नहीं रहेगा। इफ आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स,